हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ लेके आई हूँ। ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं वह संजीव मालवीय सर जो हैं उनके द्वारा बनाई गई हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत सारे इंटरव्यू और मेंस दे चुके हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इस ऐसी टेस्ट सीरीज़ के मैं 1000 क्वेश्चन लाऊँगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो MBBS 2019 में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प करेंगी। तो ये टेस्ट सीरीज़ 1 है। ऐसे मैं आगे कर करके आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ लाऊंगी जिसमें 1000 क्वेश्चन के समथिंग ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो उतने क्वेश्चंस रहेंगे। एक टेस्ट सीरीज़ में 30-35 क्वेश्चंस रहेंगे। आप अपना थोड़ा सा टाइम इस टेस्ट सीरीज़ के लिए दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको आगे की जितने वीडियो आएंगे उनको पढ़ने में और आपको नोटिफिकेशन मिलने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से है। याद रखिएगा, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन। हाल ही में राजगढ़ जिले की किन तहसील को मान्यता दी गई? तो खुजनेर और सुठालिया को मान्यता दी गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वह हैं हेमंत गुप्ता। ये 24th नंबर के हैं, याद रखिए, भी रखिएगा, 24th नंबर के हैं। तो नेक्स्ट है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 26 स्वर्ण पदक जीते। फिफ्थ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच किस खिलाड़ी द्वारा खेले गए? तो अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा खेले गए। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच सचिन तेंदुलकर के द्वारा खेले गए। सिक्स क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 का आयोजन कहां हुआ? तो एशियाई खेल 2018 का आयोजन जकार्ता में हुआ। सेलखड़ी उद्योग किस चीज सेलखड़ी उद्योग के लिए कौन सा जिला जाना जाता है मध्य प्रदेश का? तो सेलखड़ी उद्योग के लिए रतलाम जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, 8th क्वेश्चन देखते हैं। एक 8th क्वेश्चन है, राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है? तो राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति का अधिकार जिलाधिकारी के पास होता है। 9th क्वेश्चन, अटल जी कितने बार पीएम बने? तो अटल जी 3 बार पीएम बने। भारत ने क्रिकेट एशिया कप कितनी बार जीता? 7 बार जीता। 11th क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध है? तो संविधान के भाग 18 में आपातकाल का उपबंध है। भारत का प्रथम कॉर्न फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो भारत का प्रथम कॉर्न फेस्टिवल छिंदवाड़ा में हुआ। मध्य प्रदेश में गौ मंत्रालय की घोषणा किसने की? तो मध्य प्रदेश में गौ मंत्रालय की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। अनुच्छेद 304 का संबंध किससे है? राज्यों में व्यापार के लिए माल पर कर लगाने से। याद रखिएगा, अनुच्छेद 304 का संबंध है राज्यों में व्यापार के लिए माल पर कर लगाने से। व्यापार, राज्यों का व्यापार जो होता है उस पर हम जो टैक्स लगाते हैं उससे संबंधित है अनुच्छेद 304। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नील कुरुंजी नामक पौधे के संरक्षण की योजना बनी? तो हाल ही में किस राज्य में नील कुरुंजी नामक पौधे के संरक्षण की योजना बनी? तो वो है तमिलनाडु में। हाल ही में तमिलनाडु में नील कुरुंजी नामक पौधे के संरक्षण की योजना बनी। चलिए फ्रेंड्स, 16th क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इन टेस्ट सीरीज को आपको PDF भी है, लेकिन PDF से पढ़ने में आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस आप मेरी वीडियो में आपको तुरंत सुन सुन के भी, आप कोई काम भी कर रहे हैं तो आप किसी चीज़ के नोट्स भी बना रहे हैं तो आप सुनते रहेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन एक बार अपने दिमाग में बैठ जाएंगे। 16th क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सोलर प्रोजेक्ट के लिए कितने डॉलर का योगदान दिया? तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सोलर प्रोजेक्ट के लिए $1 मिलियन का योगदान दिया। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। राजधानी दिल्ली में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 7। 19th क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन कब हुआ? 1 सितंबर को हुआ।
नेक्स्ट है 20, लोकपाल खोज समिति का गठन हाल ही में हुआ है, इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है, तो रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष बनाया गया है। 21 है T20 महिला वर्ल्ड कप में कप्तान कौन बनी बनाया किसको बनाया गया T20 महिला वर्ल्ड कप में कप्तान, तो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है वर्तमान में जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो वह है निवाड़ी, जो कि अभी 52वें नंबर का जो जिला बना है वह है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है निवाड़ी, ये अभी बना है फ्रेंड्स अक्टूबर में, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है निवाड़ी। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा, रोमर ने नापा। 25वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश से लगती है, तो भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है। 26वां क्वेश्चन है, विद्युत आवेश को भंडारित करने वाला उपकरण कौन सा है, तो विद्युत आवेश को भंडारित करता है संधारित्र। 27वां क्वेश्चन है, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है, नियोन और पारा। 28वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 83 के संबंध में क्या है सही है, तो लोकसभा सदस्य अर्हता, मतलब लोकसभा सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वह अनुच्छेद 83 में बताया गया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, 29वां क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो हाइगेन के द्वारा दिया गया। चलिए फ्रेंड्स आगे का स्टार्ट करते हैं, थर्टीथ क्वेश्चन है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। 30वां क्वेश्चन है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। 31वां क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। 32वां क्वेश्चन है, जूडिथ राइट किस देश की लेखिका थी, तो जूडिथ राइट जो थी वो ऑस्ट्रेलिया की लेखिका थी। 33वां क्वेश्चन है, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो वह है क्रोनोमीटर। 34वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति कब बनी, तो वह बनी थी 1989 में। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल गुड़िया बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है बट्टोबाई। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल गुड़िया बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है बट्टोबाई। फ्रेंड्स ये थे 35 क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज़ 1 में थे, ऐसे ही मैं आपको टेस्ट सीरीज़ 2, 3, 4 करके टेस्ट सीरीज़ लाऊंगी जिसमें इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से ही आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करते रहिएगा और टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करते रहिएगा। इसके अलावा मैंने MP के जो अध्याय बना रही हूँ, अध्यायवार पूरे टॉपिक क्लियर कराती जाऊँगी आपका, जिससे MP आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, वो देखिएगा। मैंने एक MPPSC 2019 की स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है, वो भी देखिएगा, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।